कैसे हो बच्चों आप सब? ठीक है, आज अपने वापस एक नया चैप्टर के साथ मैं आ गया हूँ, और आज आपको मूवमेंट टुवर्ड्स द न्यू वर्ल्ड, ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट चैप्टर में अपने ने क्या किया था? अपने ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ाई की थी। ठीक है, 1917 में जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था वो हमारा लास्ट टॉपिक था। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या दुनिया में चेंज आई, क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर टू हुआ, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम 1917 के बाद जो भी दृश्य हुआ था 1945 तक, कि कैसे वर्ल्ड में क्या क्या हुआ, कैसे क्यों, क्या कारण थे वो जिनके वजह से विश्व युद्ध दो हुआ, ठीक है, उस सब के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ मिलके ये कहना चाहूँगा कि हम साथ में मिलके ये पूरा चैप्टर अभी खत्म कर देंगे, और मैं थोड़ा जल्दी करूंगा इस बार। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता है कि ये वीडियो का भी दो पार्ट बने, क्योंकि आपकी एग्जाम्स आने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि एक ही पार्ट में पूरा समझ जाए आप सब। इसके लिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जो काम की चीज़ें सटीक उतना एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो ये वीडियो राकेश गुप्ता मैं नाम है, ठीक है, जैसे कि आप सबको बताएं। ठीक है, और ये हिस्ट्री जिसको पसंद है पढ़ने का उनके लिए भी है वीडियो, और NTSC और क्लास 9th वाले बच्चों के लिए भी है ये वीडियो। ठीक है, और एक सेकेंड ना, हाँ, और ये अपने हिंदी में भी एक्सप्लेन किया हुआ मैंने इसको। ठीक है, तो कोई भी इंग्लिश वाला बच्चा या गुजराती मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री हिस्ट्री तो चेंज नहीं रहता। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे फासिज्म। ठीक है, इटली में हुआ था फासिज्म, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपको है ना सिर्फ ना वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है, जब ये विश्व युद्ध पहला चीन खत्म हुआ, तब तो उसके बाद जो बहुत से देश थे ना, कंट्रीज थे ना, उसके अंदर क्योंकि इतने सारे लोग मारे गए थे, सोचो इतने सारे, इतने पैसा खर्च हो गया था, तो सारे जो लोग थे, ठीक है, जो भी देश के लोग थे, जो हारे या जो जीते भले ही, तो उनको ऐसा लगा कि यार हमारी सरकार की वजह से ऐसा हुआ, हमारी सरकार की वजह से हमारे देश को विश्व युद्ध में भाग लेना पड़ा और हमारा इतना नुकसान हो गया। क्योंकि सोचो ना, पूरी इतनी इतना विश्व युद्ध हुआ था, तो अब मैंने बताया ना इकोनॉमिक फैक्टर, कितने लाखों करोड़ रुपए डूब गए थे लोगों के, तो लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे, पहनने के लिए कुछ था नहीं उनके पास, इतनी खराब हालत हो गई थी। ठीक है, तो इटली, अब इटली क्या था? इटली तो आपको पता है कि उस टाइम पे ना मित्र राष्ट्र के साथ था, वो जीत चुका था विश्व युद्ध वन, फिर भी उसके अंदर इटली की वजह से ही विश्व युद्ध टू हुआ, वो भी एक कारण था। क्यों? सोचो, वो तो पहला विश्व युद्ध जीत चुका था, वो जीती हुई पार्टी में था, तो वो जीती हुई पार्टी से भी वो निकल गया। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण अपने देखते हैं कि ना इटली में जो फर्स्ट वर्ल्ड हुआ था, उसमें 12 बिलियन डॉलर्स और 6 लाख, 12 बिलियन मतलब 1200 करोड़ रुपए, ठीक है, 1200 हजार करोड़ रुपए वो हार गया था, मतलब कि उसकी खर्चा हो गया था, 6 लाख सोल्जर मारे गए थे इटली के, वो विजेटर टीम में, सोचो 6 लाख सोल्जर उसने दिए थे अपने, कुर्बान किए थे, फिर भी उसको अपने चॉइस का जो टेरिटरी, जो जर्मनी का जो टेरिटरी था ना, कि जो भी जीते राष्ट्र, जो जीत गया था जो भी राष्ट्र, उसको जर्मनी के टुकड़े मिल गए थे, तो इटली को अपने पसंदीदा भाग मिला ही नहीं, और जो था वो फ्रांस और ब्रिटेन ने रख लिया। ठीक है, क्या इटली को इग्नोर किया, तो इसलिए इटली ज़्यादा सबसे ज़्यादा गुस्सा हो गया था। इटली के लोग ऐसा था कि हमारे हमारी वजह से आपने ये युद्ध जीता, फिर भी आपने हमें इग्नोर कैसे कर दिया। ठीक है, सोचो आपकी दोस्त लोग ने पार्टी में, आप लोगों ने मैच खेला, क्रिकेट मैच खेला, आप जीते, और आप ही को मैच ना पार्टी में नहीं बुलाया, तो आपको कैसा लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए उसकी जो नेशनलिस्टिक फीलिंग थी वो हर्ट हो गई। ठीक है, तो उसके लिए बदला लेने के लिए जो ये आपको नाम याद रखना, ठीक है, बेनिटो मुसलिनी, ठीक है, उन्होंने एक पार्टी लॉन्च किया, ठीक है, उसका नाम था फासिस्ट पार्टी। ठीक है, और ये इस पार्टी का सिंबल था, इस सिंबल में क्या था, बंडल ऑफ स्टिक्स और एक्स हथौड़ा था, ठीक है, इसका असली सिंबल रखा था। और फासिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो ऐसे पूछेंगे कि फासिज्म कौन से देश में हुआ था, इटली, जापान, अमेरिका, आपको याद टिक करना इटली। ठीक है, फासिस्ट का मतलब होता है एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ स्टेट, ठीक है, ऑन ऑल द थिंग्स, जो भी एक राज, जो भी एक नेता है ना, उसी के पास सारा कंट्रोल रहेगा, पूरे देश का कंट्रोल उसी का रहेगा, मतलब कि एक पार्टी एक लीडर, जैसे अपने पे अलग अलग पार्टी है ना, कांग्रेस भाजपा, ऐसे उनके यहाँ पे ऐसा था, एक पार्टी रहेगी और उनका एक ही लीडर रहेगा, वही पूरे देश को चलाएगा। ठीक है, उसने कहा कि अपने मिलिट्री ट्रेनिंग देना चालू कर दिया अपने वॉलंटियर्स को, ठीक है, जो भी उनके ना आपने साउथ की मूवी में देखा होगा ना, पार्टी कार्यकर्ता के नाम पे गुंडे पाले हुए होते हैं, तो वैसा रहा इनका भी। ठीक है, तो भी ये कुछ है, पर सबसे बड़ी बात इसमें याद रखनी है कि इसने, मुसोलिनी ने, जो पता है आपको मैंने लीग ऑफ नेशंस बताया था लास्ट चैप्टर में रशियन रेवोल्यूशन के बाद, कि ऐसे आगे युद्ध ना हो, इसके लिए एक लीग ऑफ नेशंस तैयार किया गया था, तो इटली ने अपना नाम उससे भी पीछे खींच लिया था, क्योंकि इटली को उसकी पसंदीदा कोई चीज़ मिली ही नहीं। ठीक
है, इतना मेहनत करने के बाद भी जीता था वो विश्वविद्यालय में, फिर भी उसको दरकिनार कर दिया गया था, तो इसलिए उसने वापस नाम अपना वापस ले लिया और रोम बर्लिन टोक्यो, ठीक है, रोम मतलब इटली, ठीक है, ये था अपना ये इटली का, एक सेकेंड मैं थोड़ा पेन चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, ये रोम है, ये रोम इज पेन चेंज नहीं हुआ सॉरी, ठीक है, ये रोम है इटली के लिए, ठीक है, ये बर्लिन था जर्मनी के लिए, और टोक्यो टोक्यो था किसके, अपने जापान के लिए। तो अब इन लोगों ने अपना एक वो बना दिया, संधि बना दी इन तीनों ने मिलके, मैं आपको लास्ट टाइम पढ़ा ना कि सबने संधि बना रखी थी। तो अब इटली देखो जो जीता हुआ टीम था, ठीक है, ये जीते हुए टीम में था लास्ट विश्व युद्ध में, और जर्मनी और जापान हारे हुए थे, फिर भी इन्होंने इटली ने इन दोनों के साथ हाथ मिला लिया, एक ट्रीटी साइन कर दी, जिसको अपने क्या कहते हैं रोम बर्लिन टोक्यो एक्सेस, ठीक है, इसके वजह से इटली रिस्पॉन्सिबल हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए, नासिज्म, ठीक है, अपने नासिज्म पे आते हैं। तो अब जर्मनी में नासिज्म चालू हुआ, उसको चालू कौन किया रहा, हिटलर, ठीक है, तो हिटलर का नाम को याद रखने का, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग नासिज्म इन जर्मनी, तो नाजी कौन लेके आया था, नाजी तो हिटलर, ठीक है, तो ये हार गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसको पूरी तरह से लूट लिया गया था, जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है, पेरिस पीस प्रोसेस पर उसको जबरदस्ती साइन करवाया गया था, जिसके अंदर से उसके जो भी मेन मेन इलाके थे, जो उसके मेन रिवर्स थे, समुद्र किनारा, वो सब जर्मनी सॉरी फ्रांस और ब्रिटेन हत्या लिए थे, ठीक है, तो जर्मन जो गुस्से रहा इस बात से, वो इसके लिए भी एक पार्टी आई, ठीक है, जिस पार्टी को कहा गया नाजी पार्टी, और उसको किसने, एडोल्फ हिटलर ने उसको ज्वाइन किया था, इस पार्टी को नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स 1919 में, और हिटलर उस टाइम पे एक सोल्जर ही था जो विश्व युद्ध में बच गया था, फिर उसने ये पार्टी ज्वाइन की, और इस पार्टी को नाजी पार्टी के नाम से जाने लगा, और नाजी की फिलोसफी क्या थी, नेशनलिज्म, नेशनलिज्म मतलब कि राष्ट्रवाद, अपना देश सबसे ऊपर होना चाहिए, अपने देश से ऊपर कोई होना नहीं चाहिए, और सोशलिज्म कि जर्मनी जो लोग हैं ना, जो नाजी लोग हैं, खाली उन्हीं का भला होना चाहिए, बाकी लोगों का भला नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो उनका दो फिलोसफी था कि अपना देश का भला और अपने लोगों का भला, और किसी का भला नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसने अपनी बहुत एग्रेसिव पॉलिसीज बना रखी थी हिटलर ने, कि किसी को नाजी जो कॉम के लोग थे ना, जो जर्मन कॉम के लोग थे, बस उन्हीं को वो जिंदा रखता था, बाकी दूसरे चाहता था कि वहाँ जो दूसरे लोग हैं वो नाजी को, जो नाजी जो जर्मन लोग हैं उनको अशूट कर देते, तो वो चाहता था कि जर्मनी में सिर्फ जर्मन लोग ही रहे, और इसलिए वो बाकी जो भी अलग अलग टाइप के लोग रहते थे, ज्यूइश रहते थे या कोई दूसरे कास्ट के, उन सबको मरवा देता था, ठीक है, तो नाजी सोल्जर्स का यूनिफॉर्म दिया, ब्लू कलर का यूनिफॉर्म था, एक रेड स्ट्रिप उनके शोल्डर पे, और एक सिंबल था स्वास्तिका का, ठीक है, ये उल्टा सिंबल था उनकी, थोड़ा टेढ़ा सिंबल है, ठीक है, उसका एम क्या रहा कि जर्मनी को एक सुपर पावर बनने का है पूरे यूरोप में, ठीक है, तो उसने फिर होलोकॉस्ट, ठीक है, ये ज्यूइश जो था उनसे हिटलर को सख्त नफरत थी, ठीक है, अपने यहाँ पे कैसे कहते हैं ना कि दो अलग अलग कॉम के लोग थे, तो उस टाइम पे वही था, वहाँ पे ज्यूइश एक दूसरा कॉम का लोग, दूसरे कॉम के लोग थे, उसने उस कॉम को पूरा बर्बाद कर दिया, मतलब कि एक गैस चैम्बर में सब लोगों को बैठा दिया था उसने, और उस गैस चैम्बर में उस गैस लीक करवा दी थी, और कितने हजारों लोग एक साथ मारे गए थे ज्यूइश, ठीक है, उसको होलोकास्ट मतलब कि जीनोसाइड, मतलब कि जीनोसाइड मतलब कि पूरी एक नस्लों को तबाह कर दिया था उसने, जर्मनी को चाहता था कि उसकी जर्मनी में सिर्फ नाजी, सिर्फ जर्मन लोग रहे, जो जर्मन जो मूल रूप से जो जर्मन है ना वही रहे, बाकी दूसरे कोई कॉम के लोग नहीं रहे, इसकी वजह से उसकी ये सब पॉलिसी की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर लोग मतलब कि सब लोग कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ऐसा दृष्टि हो गई कि हाँ कोई और रास्ता था ही नहीं वॉर करने के अलावा। फिर मिलिट्रीज्म, ठीक है, तो अभी हम दो चीज पर ही, क्या ना फासिज्म इटली में, ना अपना जर्मनी में नाजीज्म, और जापान में क्या है मिलिट्रीज्म, ठीक है, तो इसमें था कि जो उस टाइम पे जापान के लोग भी मानते थे कि सरकार की गलती की वजह से ये हमें विश्व युद्ध में इतना वो करना पड़ा, सफर करना पड़ा, तो अब इंग्लैंड और फ्रांस से क्या कह रहा कि ना जापान भी उस टाइम पे उसमें था, जीते हुए राष्ट्र में था, तो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिला जो वो चाहता था, तो इटली और जापान निकले एक ही एक जीतने वाले साइड में, लेकिन फिर वो लोग जर्मनी के साथ मिल गए, क्योंकि उन दोनों के साथ भी ऐसा हुआ कि ना पूरा मैच खेलने के बाद भी उनको ना जो भी मेन जो भी था सब फ्रांस और ब्रिटेन ने हत्या लिया, ठीक है, तो इंग्लैंड और फ्रांस ने क्या किया, सारे जर्मनी के रीजन अपने में बांट लिए, इतना इटली को कुछ मिला ना जापान को कुछ मिला, जापान ने उससे बहुत वो हो गया था। उसके बाद फिर 1921-22 में भी याद रखने की जरूरत नहीं है, जापान को ना जो
ताकत मिलती थी अमेरिका और ब्रिटिश से, वो भी 35% हो गई थी। तो जापान मतलब कि इसको मतलब कि पूरा दरकिनार कर दिया था उन लोगों ने, जैसे इटली को इग्नोर किया, जापान को भी इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो फिर जापान में इलेक्शन हुए, तो उस इलेक्शन में लोगों के जिस पार्टी के पास मिलिट्री का सपोर्ट था ना, लोगों ने उसी को वोट दिया कि ना इनके पास मिलिट्री का सपोर्ट है, मतलब कि ये जो बोलेंगे अगर हम इनको वोट करेंगे तो मिलिट्री भी इनके साथ ही रहेगी, फिर हम अपना बदला ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास मिलिट्री नहीं होगी तो फिर आप बदला कैसे लोगे, है ना। तो इसके लिए वहाँ पे उन लोगों ने इलेक्शन में उसी पार्टी को सपोर्ट किया जिसके पास मिलिट्री का सपोर्ट था। ठीक है, और उसके मिलिट्री ने क्या पॉलिसी अडोप्ट की, एक्सपांशन। ठीक है, कि उस पूरे एशिया में उसको एक्सपांड करना था। ठीक है, कि पूरे एशिया में जापान का एक सुपर पावर बनाना था। जर्मनी इटली यूरोप में चालू किए और जापान ने वो सिर्फ एशिया में चालू किया। ठीक है, जापान को लीग ऑफ नेशंस में एक परमानेंट प्लेस भी नहीं मिली थी, तो उसने क्या किया, अपने आप को नाम फिर पीछे खींच लिया वापस, कि मैं ना वो लीग ऑफ नेशंस का नहीं हूँ, नहीं मानता मैं उसको। ठीक है, और उसने क्या कर दिया, अपना इंपेरियलिस्ट एक्टिविटीज चालू कर। इंपेरियलिस्ट मतलब अपने आप का लैंड बढ़ाना, दर्जा बढ़ाना, मतलब कि एक छोटे सा कंट्री है जापान, अब उसको जीत जीत के उसको पूरे जापान को और बड़ा करना और एक्सपांड करना अपने रीजन को, अपने लैंड को। ठीक है, दूसरे कंट्रीज को हरा के। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, जो यूएस ना ब्रिटेन और फ्रांस, वो भी जापान को रोक नहीं पाए। ठीक है, फिर उसके बाद उसने जर्मनी और इटली के साथ अपना रिश्ता भी सुधार लिया जापान ने, कि उन लोगों का भी सेम मकसद यूरोप में था और जापान का सेम मकसद अभी एशिया में था। ठीक है, और उसके बाद उसने भी अपने स्नैप मतलब तोड़ दिया, सारे रिश्ते उसने लीग ऑफ नेशंस के साथ अपनी तोड़ दिए इसने जापान ने। ठीक है, अपने तीन कारण देखे, चौथा कारण था ग्लोबल डिप्रेशन। ठीक है, अब डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन ऐसा होता है कि जब सालों 1.5 साल 2 साल तक है ना आपकी इकोनॉमी है ना वो एकदम लो रहती है, मतलब लोगों के पास खाने पीने के वांदे रहते हैं। ठीक है, एक होता है रिसेशन, रिसेशन छोटा होता है, ठीक है, 6 महीने 7 महीने 1 साल, जैसे अभी 2020 में हुआ, और वो अगर 2-3 साल तक रहेगा, मंदी जो कहते हैं मंदी, अगर 2-3 साल तक रहेगा तो वो ग्लोबल डिप्रेशन आता है। ठीक है, डिप्रेशन मतलब 3 साल तक किसी भी कंट्री का, 2 से 3 साल तक किसी भी कंट्री का जो था आर्थिक स्थिति वो एकदम मंद था, एकदम धीमे था, और ग्लोबल मतलब पूरे कंट्रीज में ऐसा हुआ था, मतलब कि वर्ल्ड की सारी कंट्रीज में ऐसा हुआ था। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इतना ऐसा थोड़ी ना कि सोचो आप ऐसा हुआ था वर्ल्ड वॉर की लोगों के पास खाने पीने को कुछ था नहीं, तो इकोनॉमी बूस्ट कैसे होती। ठीक है, वॉल स्ट्रीट जैसे अपना बॉम्बे में है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जैसे अमेरिका में वॉल स्ट्रीट है, तो वहाँ पे लोगों ने सबने अपना शेयर बेच दिया कि लोगों के पास पैसे नहीं थे। ठीक है, तो लोग एकदम कम कम रुपए में अपना शेयर बेच रहे थे। ठीक है, आपको ये ना इकोनॉमिक्स में आता होगा। ठीक है, तो अगर शेयर का आप अचानक से बेचने लग रहे हो, सबसे आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा था कभी, पर अभी आपके पास पैसे नहीं है, तो आपने उसको 50 रुपये में बेच दिया, तो नुकसान हो गया ना। तो वैसे सब लोग अपने शेयर बेच रहे हैं, इसको वॉल स्ट्रीट क्रैसिस के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसे ही वैसे ग्रेट ग्लोबल डिप्रेशन आ गया कि हर जगह आर्थिक मंदी छा गई। ठीक है, फिर ग्रेट ब्रिटेन था, वो भी इससे रुक नहीं पाया, वो भी इसकी चपेट में आ जाता है, लेकिन फिर उसने क्या किया, अपने जो गोल्ड की पॉलिसी थी ना उसने उसको सेक्रीफाइस कर दिया। ठीक है, ये अपने बाद में कभी पढ़ेंगे, ठीक है, आराम से, कि कैसे ये इकोनॉमिक्स का खेल होता है, पर इतना आपको रखने का कि जो ग्लोबल ट्रेड था समझो वो पूरा आधा हो गया इसके वजह से। और इसके वजह से जो आउटलाइन बनाते हैं अपने, कभी कोई ड्राइंग बनाते हैं अपने, सबसे पहले अपने आउटलाइन बनाते हैं ना किसी भी ड्राइंग का, ये पता नहीं मैंने किसका आउटलाइन बनाया। ठीक है, तो माफ़ करना इसमें, लेकिन ऐसा कभी भी अपने आउटलाइन बनाते हैं, ठीक है, थीके? कोई भी ड्राइंग का पहले बॉर्डर बनाते, तो ये वर्ल्ड वॉर 2 का बॉर्डर ऐसे बना रहा, नाशिज्म आया जर्मनी में, फासिज्म इटली में, मिलिट्रिज्म जापान में, और ये ग्लोबल डिप्रेशन, ये 4 बन के आउटलाइन बने थे। ठीक है, फिर अभी हम बात करते हैं फैक्टर्स की, क्या क्या फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, ठीक है, जिसको पेरिस पीस समझौता भी कहा जाता है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, क्योंकि वर्सलिस जगह का नाम था, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपने, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखा मैंने, पर जगह नहीं थी इसके लिए, पर समझ जाना। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, ठीक है, तो पेरिस पीस समझौता भी कहते हैं। ठीक है, फियर्स नेशनलिज्म, नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद, कि हमारे देश के साथ ये हुआ, हमारा देश कैसे भी करके जिसने भी हम हमारे साथ ऐसा किया उसको हम जवाब देंगे, उसको हम हराएंगे। ठीक है, ये नेशनलिज्म राष्ट्रवाद, कि अपना देश कह के जो था ना, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीछे भी कारण था, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के पीछे भी कारण नहीं था, और इस पर ज़्यादा और ज़्यादा बड़ा कारण था। क्यों? क्योंकि जर्मनी को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है, इटली जापान को लगा कि उनको उनका भाग नहीं मिला, तो और वो था, और बदले की भावना थी इस बात, और सभी का पता है
बदले की भावना कितनी खतरनाक होती है। ठीक है, इटली अपने आपको नहीं भूल पाया कि उसको इग्नोर कर दिया था कैसे ब्रिटेन और फ्रांस ने। ठीक है, फिर मुसोलिनी ने क्या किया, स्टार्ट कर दिया अपना नेशनलिज्म और इंपेरियलिस्ट पॉलिसी। इंपेरियलिस्ट पॉलिसी मतलब कि अपने आप को जो भी कंट्रीज थी उन सब ने अपने आप को एक्सपांड करना चालू कर दिया, कि सारे कंट्रीज को हरा के उनके एरिया को जीत के अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने का और अपना लैंड बढ़ाने का, और वर्ल्ड पीस डेंजर में आ गई। फिर ग्रुपिज्म, ठीक है, ग्रुपिज्म में आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीछे का सबसे बड़ा कारण यही था, बस दो कंट्री के बीच में युद्ध चालू हुआ था और इसको बचाने के लिए इसने फिर उसको बचाने के लिए फिर सारी देश एक एक करके कूद गए। सेम ऐसा यहाँ पे भी हुआ था। ठीक है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बस खाली आपको एक ही चीज याद रखना है कि इटली ने फॉर्म किया था, ठीक है, रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस ग्रुप। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, अपना एक एक्सिस ग्रुप था जिसमें इन तीनों ने बोला था कि हम साथ में लड़ेंगे अगर कोई भी युद्ध हुआ तो। ठीक है, तो आपको ये याद रखने का जरूरत है। ठीक है, फिर मिलिट्रिज्म कि अब सब कंट्रीज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो जीते तो वो अपने कंट्रीज को और ज़्यादा और बेहतर वेपन्स बनाने का उन्होंने ट्राई करना चालू किया, और जो हारे थे वो उनसे भी ज़्यादा डेवलप वेपन्स बनाने का सोच रहे थे कि लास्ट टाइम हम हारे थे, इस बार हम नहीं हारेंगे, तो इस बार हमें और ज़्यादा अच्छे वेपन्स बनाने का है। तो दोनों में ऐसी सोच होने लगी और इसके वजह से मिलिट्रिज्म कि सब अपने अपने सैन्य शक्ति बढ़ाने लगे और चालू हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद अपना ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट अपना मतलब कि एशिया में जापान ने भी अपना मिलिट्री फोर्स ये चालू कर दिया बढ़ाना। ठीक है, फिर फाइनली द वर्ल्ड वॉर हैज बिन डिक्लेयर्ड इवन व्हेन इंग्लैंड एंड फ्रांस ट्राई टू कीप, क्योंकि इंग्लैंड फ्रांस एक जगह थे, एक टीम में थे, और ये अपना जर्मनी इटली और जापान, ठीक है, दूसरी टीम में चला गया। ठीक है, दूसरी टीम बन गए थे। फिर फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, मैंने आपको छोटा सा टॉपिक पढ़ाया था लास्ट टाइम, उसमें था कि लीग ऑफ नेशंस में हम ऐसे ऐसे करेंगे, कभी दोबारा ऐसा युद्ध ना हो उसका ध्यान रखेंगे, लेकिन लीग ऑफ नेशंस के पास खुद की मिलिट्री नहीं थी। समझो अगर कोई गॉड फादर है, कोई ऐसा कोई है जिस, समझो आप दो जंग का झगड़ा हुआ, ठीक है, आप तीसरे बंदे के पास आए, आप तीसरे बंदे ने बोल दिया कि चलो ये जो आदमी है ये सही है ये गलत है, ठीक है, और उसने मना कर दिया मानने से, तो आखिर अपनी फौज होनी चाहिए ना कि आप अगर वो नहीं मानना तो आप उसको डरा धमकाओ कैसे भी मनवाओ उसके पास, जैसे अपने कोर्ट के पास पुलिस है ना, अगर हम कुछ नहीं करते कुछ नहीं मानते तो पुलिस हमारे साथ हमारे घर पर आ जाती है, तो ऐसा लीग ऑफ नेशंस के साथ नहीं था। ठीक है, लोग ना जो भी कंट्रीज थी वो जो पावरफुल कंट्रीज थी वो बोल रहे कि हम नहीं मानेंगे बात। ठीक है, तो पूरी तरीके से फेल हो गया था लीग ऑफ नेशंस, और रशिया जर्मनी ने तो अपना नाम भी पहले उसमें से हटा लिया था, तो दोनों को लगा कि हमारे साथ ये हुआ है। ठीक है, क्योंकि रशिया में तो उस टाइम पे चेंज हुआ था, अंदर रिवॉल्यूशन हुआ था, तो उनके गवर्नमेंट ने नाम हटा लिया पेरिस पीस समझौता से, सॉरी लीग ऑफ नेशंस से, और जर्मनी को के साथ अन्याय हुआ था इसलिए जर्मनी ने भी अपना नाम हटा दिया। उसके बाद इटली जापान ने भी अपना नाम उस ना लीग ऑफ नेशंस से हटा दिए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फेलियर था लीग ऑफ नेशंस का, क्या कि वो ग्रुपिज्म को रोक नहीं पाया। ठीक है, जो ग्रुपिज्म जो सबसे मेन कारण होता है उसी को रोक नहीं पाया वो। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सालिस, ठीक है, मैं आपको जैसे बताया था लास्ट टाइम कि जो सीड होते हैं ना बीज, वो ट्रीटी ऑफ वर्सालिस में बोए गए थे, और उसका जो पेड़ बना वो 1939 1939 में पूरा पेड़ उगा वो, मतलब कि वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुआ। ठीक है, और ये बीज कब बो दिए गए थे, ट्रीटी ऑफ वर्सालिस 1919 में ही, तो 20 साल लगे थे इस पेड़ को उगने में, सोच रहे हो। ठीक है, जो उसका रूरल प्रोविंस था, ठीक है, जर्मनी का वो ले लिया था उसका मेन इलाका। ठीक है, उसका राइन रिवर जो वहाँ के लोग उसको सबसे ज़्यादा पवित्र मानते थे उसको ओपन करने वाला था, किसके लिए, इंटरनेशनल सी रूट के लिए, कि दूसरे देश के कंट्री भी उस रिवर से आ जा सकते हैं, वो उन्होंने चालू किया था। सोचो अगर अपना गंगा नदी है उसको अपने को खोलना पड़े चाइना लोगों के लिए, कि चाइना लोग पाकिस्तानी लोग आ जा सकते हैं इस गंगा रिवर में, तो कैसा होगा अपने साथ, अपने कैसा फील करेंगे, सेम वैसा वहाँ के लोग फील कर रहे थे। ठीक है, इम्पीरियलिस्टिक एम्बिशन, इम्पीरियलिस्टिक मतलब मैं आपको समझा दिया हूँ ना कि अपने आप को एक्सपांड करना, ठीक है, इस कंट्री से उस कंट्री, उस कंट्री से तीसरे कंट्री को जीतना, अपने जो देश है अपने देश का एकदम बड़ा करना एकदम। ठीक है, तो हिटलर ने वो चालू कर दिया था करना। ठीक है, हिटलर ने फाउंडेशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कौन जिम्मेदार है, तो हिटलर है। ठीक है, हिटलर की वजह से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ था, जो अपने इमीडिएट कॉज कहते हैं ना, इमीडिएट कॉज के तुरंत वही कारण था, बाकी ये जो सब थे ये सब
ऐसा आउटलाइन बना रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, लेकिन हिटलर ने आके उसको मेन चिंगारी दे दी, और चिंगारी कैसे दी वो अपने आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो वो उसका सबसे पहले उसने ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रिया को हराया, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑस्ट्रिया हंगरी एक ही एम्पायर थे, लेकिन बाद में सब टूट गया, फिर ऑस्ट्रिया जो था वो छोटा देश बन गया, कमजोर देश बन गया, तो जर्मनी ने सबसे पहले ऑस्ट्रिया को हरा के चालू किया अपना। ठीक है, तो 12 मार्च 1938 को उसने उसको हराया, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद छोटे छोटे कंट्रीज को हरा के 1938 में 1939 में छोटे छोटे कंट्रीज को हरा के उसने अपना कोई थोड़ा पावरफुल बनाया, ताकि वो जो बड़े कंट्रीज है उस पर हमला कर सके। ठीक है, छोटे छोटे जो देश थे उसकी फौज को इकट्ठा किया उनको हरा के, ताकि वो बड़े देशों पर हमला कर सके। ठीक है, फिर उसने ट्रीटी ऑफ वर्सलिस को भी एक पीछा पेपर बोला था, कि ट्रीटी ऑफ वर्सलिस में होता ना देखो ये रहा, कि 6.5 बिलियन पाउंड्स का उसको जुर्माना लगा था, जर्मनी को भरना था वो, तो उसने उसको बोला कि ये तो खाली कागज का टुकड़ा है, हम इसको नहीं मानते। ठीक है, और जो जर्मनी जो लोग थे जर्मनी का उनका भी सपोर्ट था हिटलर के पास, वो लोग भी चाहते थे कि इनके साथ जो अन्याय हुआ है वो कैसे भी करके हिटलर उसको खत्म करे, अपना बदला ले जर्मनी का। ठीक है, फिर ये रहा अपना इमीडिएट कॉज, ठीक है, जो बोलते हैं इमीडिएट, तुरंत किसके वजह से झगड़ा हुआ। तो अब जर्मनी ने क्या किया, जहाँ जो जो इलाके में जर्मन लोग रहते थे ना पहले, उन सब इलाकों को अपने साइड हथियार चालू किया। ठीक है, जो 1919 में जो के टुकड़े कर दिए गए थे जर्मनी के, जो अलग अलग देशों को दे दिए गए थे, उसने पहले उसको अपना करना चालू किया, जहाँ पे जर्मन लोग रहते थे वहाँ पे उसने उन इलाकों को जीत के उसने एक पूरा बहुत बड़ा जर्मन एम्पायर खड़ा कर दिया। ठीक है, उसके बाद उसने पोलैंड पे हमला किया। ठीक है, अब पोलैंड में भी एक बहुत बड़ा एक था वो लैंड, मतलब कि एक एरिया कह सकते हैं जो जर्मन लोगों का था, जर्मनी ने पहले उसको जीता, उसके बाद फिर उसने पोलैंड पे भी हमला कर दिया। ठीक है, तो पोलैंड पे उसने हमला किया 1 सितंबर 1939, तब को याद रखने का। ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट, सेकेंड कब स्टार्ट हुआ, 1 सितंबर 1939, और सुबह के कुछ 4:45 बजे थे। ठीक है, 4:45 टाइम था कुछ, ठीक है, मॉर्निंग का, और उसके बाद ये वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर ब्रिटेन और फ्रांस ने, ठीक है, उन्होंने मना किया जर्मनी को कि पोलैंड शांत है, आप इस पर हमला मत करो, ये खाली हम वॉर की ओर जाएंगे और कुछ नहीं इससे ना हासिल होगा, लेकिन जर्मनी ने इग्नोर कर दिया, और इसके वजह से सारा जो वॉर था वो स्प्रेड हो गया। ठीक है, तो अब अपने एक सेकेंड, ठीक है, तो ऑन वन साइड कौन कौन से नेशंस थे, अलाइड नेशंस, ठीक है, तो इंग्लैंड फ्रांस के थे, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, मज़ा नहीं आ रहा इस कलर में, ब्लू मेरा फेवरेट। ठीक है, और दूसरे साइड में एक्सिस नेशन, एक्सिस नेशन में कौन था, जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है, अब उसके बाद फिर बहुत लंबी कहा थोड़ा हुआ ऐसा, इसने इस पर हमला किया, उसने उस पर हमला किया। ठीक है, अपने इधर डीप में नहीं जाएंगे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जर्मनी बहुत स्ट्रांग हो गया था। ठीक है, जर्मनी और जापान बहुत स्ट्रांग हो गए थे, पर फिर जाना हिटलर ने 2-3 गलतियाँ की, जिसके वजह से थोड़ा पूरा पासा चेंज हो गया। ठीक है, अब पासा कैसे चेंज हो गया, तो जापान, ठीक है, जापान ने अमेरिका, ठीक है, उस टाइम पे भी अमेरिका न्यूट्रल था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जब जब उसको उंगली की गई थी किसी ने, जर्मन ने किया था उंगली, तब वो युद्ध में आया था, और इस बार उंगली किसने किया, जापान ने किया अमेरिका पे। ठीक है, अमेरिका उस टाइम पे वॉर में नहीं था, ठीक है, जापान ने क्या किया, क्योंकि जापान अमेरिका पहले से दुश्मन थे, बहुत कहते बहुत अच्छे वाले दुश्मन के, एक दूसरे को बिल्कुल नहीं हो रहे, क्योंकि ऐसा उनके बीच में रिलेशंस हो गया था जापान और यूएसए के बीच में। ठीक है, तो जापान ने अमेरिका पे ना उसके पर्ल हार्बर, ठीक है, उसका एक बहुत बहुत सही इलाका, बहुत मेन इलाका था एयरफोर्स का अमेरिका का, उसका नाम क्या था, पर्ल हार्बर। ठीक है, ये आपका नाम याद रखना है, नेवी का था, अमेरिका नेवी का पर्ल हार्बर, वहाँ पे जापान ने हमला कर दिया। अब वो हमले से भी अमेरिका अपना जो अलाइड एक्सिस नेशन है, सॉरी अलाइड नेशन है, उनके साथ जुड़ गया। ठीक है, और अलाइड नेशन को जो और स्ट्रांग बना दिया, क्योंकि अमेरिका के पहले भी अमेरिका के जाने से आने के बाद ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन लोगों की जीत हुई थी, उसके पहले जर्मनी हावी था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ऐसे ही था, जर्मन जापान हावी थे, जीत रहे थे, लेकिन फिर जापान ने अमेरिका पे हमला किया और उसकी वजह से पूरा गेम चेंज हो गया। ठीक है, और फिर अमेरिका ने क्या किया, धीमे धीरे इटली, ठीक है, इटली में जो मुसोलिनी थे, ठीक है, उसको गिरफ्तार करते, इटली को हराया, सबसे पहले इटली को हराया, फिर जर्मनी पे हमला किया। ठीक है, अब जर्मनी में कैसा था कि ये समझो कि ये देश जर्मनी है, ठीक है, एक सेकंड ना, ये देश जर्मनी है, और यहाँ से रशिया, और यहाँ से ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका,
इन तीनों ने इस पर हमला करना चालू कर दिया। यहाँ से रशिया ने इस पर हमला करना चालू कर दिया, क्योंकि जर्मनी और रशिया के बीच में भी फाइट था, रशिया भी इन लोगों के साथ था। ठीक है, तो ये है अपना रशिया, ये रशिया, ठीक है, और ये है अपना बीफ ऑफ ब्रिटेन और है ना यूएसए और फ्रांस। ठीक है, तो दोनों साइड से बर्लिन में, बर्लिन ठीक है, जो यहाँ पे जो इसके अंदर जो है ना जर्मनी में हमला होने लग गया। ठीक है, तो हिटलर के पास कोई और, उसको लगा कि अब उसकी हार निश्चित है। ठीक है, ये जर्मनी बहुत गंदा लिखा है मैंने, ठीक है, तो खाली है जी, जी फॉर जर्मनी ये। ठीक है, तो जब हिटलर को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, कि दोनों साइड से घिर चुका था, ठीक है, तो हिटलर ने अपने आप को सुसाइड कर दिया, अपने आप को मार डाला। ठीक है, क्योंकि वो चाहता था कि वो कभी भी जिंदा ना पकड़ा जाए, तो इसलिए उसने अपने आप को, उसकी वाइफ ने साइनाइड की गोली खा ली और उसने अपने आप को, अपने रिवॉल्व जो उसका पिस्तौल था उससे अपने आप को ना मार के उसने आत्महत्या कर ली। ठीक है, तो ना कुछ अप्रैल में ये अपना हिटलर साहब जो थे डिक्टेटर वो मारे गए, खुद उन्होंने आत्महत्या कर लिया। ठीक है, तो इससे इटली खत्म हो गया, जर्मनी खत्म हो गया, सिर्फ बचा रहा एक जापान, जापान बचा रहा। जापान अभी भी बहुत तेजी से लड़ रहा था, ठीक है, लेकिन फिर उसको अब देखो तीन हार देंगे, दो हार कट चुके थे, खाली जापान बाकी था। तो जापान को रोकने के लिए अमेरिका ने क्या किया कि ना एटम बॉम्ब गिरा दिए। ठीक है, एटम बॉम्ब गिराए कहाँ पे, 6 तारीख को, 9 तारीख को। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, 6 तारीख और 9 तारीख, और उसके कुछ करोड़ों लोग मारे गए थे जापान में। ठीक है, 6 तारीख को हिरोशिमा में, एच फॉर हिरोशिमा, और 9 तारीख को नागासाकी, दो तो एटम बॉम्ब फेंके थे। ठीक है, 1,24,000, ठीक है, इतने लोग, इधर सरकारी आंकड़ा है लेकिन असल में करोड़ों लोग मारे गए थे। और वो एटम बॉम्ब ऐसा था ना कि अभी भी वहाँ पे लोग जो है ना इलाके में लोग थोड़े ना क्या कहते हैं अपने दिव्यांग पैदा होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका इफेक्ट अब तक है, उसके बाद तो कोई लोग, किसी के आंख नहीं होते थे, किसी के हाथ नहीं होते थे पैदा होते वक्त ही, ऐसा उसका इफेक्ट था एटम बॉम्ब का, कि वो उस टाइम पे जितने लोग थे उनको नहीं मारा, उसके बाद जो आने वाले जनरेशन के लोग थे ना वो गैस था, कि जो आने वाले जनरेशन के लोग थे ना उनके भी, उन्होंने हाथ पैर आंख सब खराब कर दिया था। ठीक है, उसके बाद फिर ना इटली जा, उसके बाद और कुछ और फैक्टर्स भी थे जो आपने देखा कि नागासाकी हिरोशिमा में इन्होंने बॉम्ब फेंक दिया। अब जापान ने 11 अगस्त 1945 में सरेंडर किया, तो 1 सितंबर को चालू हुआ था वर्ल्ड वॉर 1939 में, और ये ख़त्म कब हुआ, 11 अगस्त 1945। ठीक है, गिन सकते हो कितने साल हुए। ठीक है, तो ये आपको दो डेट याद रखने की जरूरत है, और एक पर्ल हार्बर और एक डेट ये वाला कि 6 तारीख को हिरोशिमा और 9 तारीख को नागासाकी में बॉम्ब फेंके थे। ठीक है, अब इकोनॉमिक इफेक्ट्स जल्दी जल्दी पढ़ लेते। ठीक है, इकोनॉमिक इफेक्ट्स देखो, अमेरिका ने $350 बिलियन स्पेंड किया था। ठीक है, तो इकोनॉमिक इफेक्ट्स मतलब बहुत पैसे, पानी की तरह पैसे बहाए गए थे, इतने वेस्ट हुए पैसे। कम्युनिज्म, ठीक है, चाइना में, अब चाइना में क्या था कि जैसे रशिया के अंदर रशियन रेवोल्यूशन हुआ था ना, तो उसके अंदर रशिया एक स्टेबल हो गया था, फिर तो चाइना के अंदर भी ऐसा हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी हम बनाएंगे, हम चाइना में डेमोक्रेसी नहीं रखेंगे, और अब तक चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ही है। ठीक है, एक लीडर रहेगा, एक ही पार्टी रहेगी, वही ना उनके लोगों के लिए काम करेगी, तो चाइना के अंदर कम्युनिज्म आया। तो ये आपको पूछ सकते हैं, ठीक है, कि इमीडिएट इफेक्ट्स क्या थे, तो ये आपको टिक करना रहेगा चाइना में, और बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में था कि एक शीत युद्ध, ठीक है, अपने कहते हैं शीत युद्ध, कोल्ड वॉर चालू हो गया किसके बीच में, यूएसए और रशिया, क्योंकि उस टाइम पे जब ये युद्ध खड़े, मतलब दो सबसे बड़ी ताकत थी यूएसए और रशिया, ये दो सबसे बड़ी ताकत दुनिया में बची थी, और इनके बीच में आपस में फिर एक टेंशन का माहौल होने लगा। ठीक है, उसको अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वर्ल्ड आफ्टर 1945। ठीक है, तो अब क्यों, क्योंकि रशिया में, यूएसए में था डेमोक्रेटिक। ठीक है, ये एक सेकेंड में थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, रशिया में था डेमोक्रेटिक था अमेरिका, और रशिया था कम्युनिस्ट, ये दोनों अपोजिट ग्रुप के बन गए। ठीक है, आप सोचो कि दो अपोजिट ग्रुप के बनेंगे तो दोनों ग्रुप क्या चाहेगा, यही चाहेगा कि मेरा, मैं जो, मैं जिस ग्रुप से बिलोंग करता हूँ वही ग्रुप पूरे दुनिया में चले। अमेरिका चाहता था कि पूरी पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक हो, डेमोक्रेसी हो, सब लोग चुनाव से पार्टी जीते, और रशिया चाहता था कि नहीं पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट हो, एक पार्टी रहेगी वही काम करेगी हमेशा, दूसरी पार्टी आएगी नहीं कॉम्पिटिशन में। ठीक है, उसकी वजह, अब जो लीग ऑफ नेशन जो हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो स्थापित हो रहा, वैसे ही कुछ वापस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्थापित हुआ, और वो था यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, और इस बार उन्होंने ऐसा रखा कि जैसे पीस, जैसे वो अपना ये लीग ऑफ नेशंस फेल हुआ, वैसे ये यूनाइटेड नेशंस फेल नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले से उसको और ताकतवर बनाया गया स्टार्टिंग से, जो उसके कहते हैं ना कि किसी भी संस्था का पिलर,
आप नींव होता है जो नींव घर का नींव वो एकदम जोरदार होना चाहिए, एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। तो वैसे जो इसको जब बनाया तो इसके नींव एकदम स्ट्रांग रखे थे। लास्ट टाइम जैसे कच्चा माल यूज नहीं किया था, ठीक है, इस बार इसके पिलर्स एकदम फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग रखे गए थे। तो ये आपको फोटो में दिख रहा है, ये फोटो में भी एक बार पूछ देते हैं कि ये किसका फोटो है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस का वो है, सिंबल है, ठीक है। तो 24 अक्टूबर 1945 यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। आपको ये डेट याद रखनी है, 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। 1 अगस्त को ये हुआ और इसी के कुछ दो दो ढाई महीने बाद ही 24 अक्टूबर को ये यूनाइटेड नेशंस बन गया। और इसका पर्पस क्या था, पीस सिक्योरिटी और को एग्जिस्टेंस, शांति रहनी चाहिए, सबकी सुरक्षा होनी चाहिए, जो छोटे राज्य है जो छोटे देश है सभी की, जो बड़े देश है उनकी भी, और एक को एग्जिस्टेंस मतलब कि आप हो तो हम है, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ही हम रहे, खाली आप भी रहो हम भी रहे, ऐसा होना चाहिए दुनिया में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क। तो ये सबसे मेन सवाल भी है, ठीक है। यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है, देखिए यूनाइटेड नेशंस को हम प्यार से क्या कहते हैं, यूएन भी, ठीक है। तो इसका न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर, ठीक है। उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इकोनॉमिक फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम फियर, ठीक है। ये उसके एम्बलम में, ठीक है, चार्टर में लिखा हुआ है, समझ रहे हो। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हेल्प किसने की थी, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट और ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल, ठीक है। उन्होंने एक 8 पॉइंट का एग्रीमेंट तैयार किया था, ठीक है, जिसको क्या नाम है, जिसको अटलांटिक एग्रीमेंट भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वो अटलांटिक में थे, मतलब कि शिप में थे, अटलांटिक ओशन में। आपने देखा होगा जो जहाँ पे रहता है, जिस जगह पे ट्रीटी साइन होते, उस ट्रीटी को उसी का नाम दे देते, तो इसलिए उसको अटलांटिक एग्रीमेंट का नाम दे दिया गया, ठीक है। जिसमें आप पढ़ोगे तो उसमें आपको सब मिल जाएगा कि सब ने ऐसा कहा कि हम झगड़ा वगैरह कुछ नहीं होगा, इंटरनल पीस बनाए रखेंगे, ठीक है, सिक्योरिटी बनाए रखेंगे, ठीक है। देन द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना, रशिया, ठीक है। दो ये दोस्तों जो सबसे सुपर पावर थे, ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया, चाइना, वो मिले वर्ल्ड पीस के लिए, और जिसको कहा कहा जाता है मॉस्को डिक्लेरेशन, ठीक है। आपको पूछ लेंगे एमसीक्यू में कि मॉस्को डिक्लेरेशन में कौन सा देश नहीं था या कौन सा देश था, तो ऑप्शन दिया जाएगा ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया, चाइना की, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको क्या टिक करना, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो 50 नेशंस प्रिपेयर फॉर्म अग्रीमेंट, ठीक है। तो आपको क्या करें, तो 51 मेंबर नेशंस डिक्लेयर द एस्टेब्लिश एग्रीमेंट, ठीक है। उस टाइम पे 51 मेंबर्स ने हाँ कर दिया था कि हाँ यूएन बनेगा, ठीक है। तो उसके बाद इसमें हाँ कुछ नहीं, हाँ ठीक है। तो 24 अक्टूबर को तभी से यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में पूछे विच डे इज कंसिडर्ड एज वर्ल्ड योगा इंटरनेशनल डे, ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे। तो योगा डे आपको पता है 21 जून, ठीक है, उसमें बोल मत करना, लेकिन विच डे इज कंसिडर एज यूनाइटेड नेशंस डे, तो 24 अक्टूबर आएगा, ठीक है। और आप किसके, इसके 193 कंट्रीज पार्ट है इसके, यूएन के, जब पे इंडिया भी है, ठीक है। अब उसके अलग अलग ऑर्गन्स थे यूएन के, कि यूएन ऐसा नहीं था कि सिर्फ अकेला ही काम करने वाला था, उसने अपने काम बांट दिया था। जैसे आपने स्कूल में होते हैं ना, लाइन मॉनिटर अलग, क्लास मॉनिटर अलग, कबोर्ड मॉनिटर अलग, ठीक है, ब्लैक बोर्ड का मॉनिटर अलग होता था हमारे में, वैसे इन्होंने अलग अलग बांट दिए। जनरल असेंबली जहाँ पे जनरल बातचीत होती थी, मतलब कि कोई भी नॉर्मल टॉपिक, सिक्योरिटी काउंसिल जहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी के रिलेटेड बात होती थी, कोई देश किसी देश पे खतरा बन रहा है कि नहीं, इकोनॉमिक एंड सोशल, ठीक है, आर्थिक और जो सामाजिक जो भी किसी देश में हो रहा है, कि कहीं किसी देश में सामाजिक हमले हो रहे हैं, ठीक है, उनके देश में आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो सुझाव कैसे उसको बंद करें, सब यहाँ पे हल होते थे। आपने देखा होगा पाकिस्तान इंडिया के बीच का जो कश्मीर का जो मसला है, वो भी यूएन में उठता रहता है, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, जो ना कुलभूषण का केस चल रहा था इंडिया पाकिस्तान का बीच में, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल रहा था, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट अपना, अगर अपने देश का मामला है तो अपने देश के कोर्ट में चलेगा, लेकिन अगर कोई दो देशों के बीच में मामला है तो उसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट और एक सेक्रेटेरिएट, ठीक है। एक बार जीएस आपको इसमें कुछ आएगा नहीं, पूछेगा नहीं, लेकिन खाली एक चीज़ याद रखना है कि हर नेशन ने अपना 5 रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है। जैसे अपना लोकसभा होता है ना, राज्यसभा, वैसे हर देश अपना 5 बंदा भेज सकता है यूएन में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो समझो एक लोकसभा टाइप का है लेकिन वर्ल्ड लेवल का, ठीक है। लेकिन जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में एक देश एक ही वोट कर सकता है, वो 5 आदमी के 5 अलग अलग वोट नहीं होंगे, वो 5 आदमी का मिला के एक ही वोट होगा, इंडिया का एक वोट, ठीक है, अमेरिका का एक वोट, ठीक है। उसके बाद इसका होता है डिसीजन टेकन, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो 2/3 मेजोरिटी होगी तो ये डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। फिर अपना सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। तो इसके 5 नेशन परमानेंट है, ये आपको याद रखने का है, ठीक है, रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, ठीक है, फ्रांस और चाइना, ठीक है। अब इनके पास एक स्पेशल पावर है, ठीक है, तो मैं आपको इसमें शॉर्ट में बता रहा हूँ।
इसको कहते हैं अपने वीटो पावर, ठीक है, वीटो पावर, जिसको कहा जाता है कि अगर समझो कोई ये 5 परमानेंट कंट्री, ठीक है, अब कोई कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है, अब उन्होंने ऐसा जजमेंट दिया कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है, तो इन 500 कंट्री के पास एक पावर है जिससे वो डिसीजन को बदल सकते, ठीक है, अगर इनमें से अगर एक कंट्री ने भी अपना वीटो पावर यूज़ किया तो वो जो डिसीजन लिया गया है वो डिसीजन अमल नहीं होगा, समझे वो पावर कैसा है। अब ऐसा भी नहीं कि 500 से मेजोरिटी का होना चाहिए, अगर किसी एक ने भी ना बोला, जैसे अपने इंडिया के केस में ऐसा हो रहा है कि इंडिया को परमानेंट बनाने की बात चल रही है और चारों देश राजी है, खाली चाइना राजी नहीं है, चाइना जब भी ये बात आती है वीटो पावर दे देता है, वहाँ के सब लोग राजी है, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल में कि वोट मिल चुका है अपने इंडिया को कि ना मैक्सिमम ना जो होते हैं ना अपने जितने वोट चाहिए होते उतने मिल चुके हैं, लेकिन फिर चाइना अपना वीटो पावर यूज करके मना कर देता है, ठीक है, उसको कहते हैं अपने वीटो पावर। फिर बाकी जो 10 कंट्रीज आर नॉट परमानेंटली मेंबर्स, दो दो ईयर का टेन्योर होता है, ठीक है, इसमें आपको इतना सब ध्यान रखने की जरूरत नहीं, खाली आपको ये याद रखना है वीटो पावर क्या होता है, राइट टू डिनाई, आप कोई भी चीज़ को मना कर सकते हो, ये अकेला पावर है, ठीक है। तो ये चार्ट दिया कि किसने कितनी बार, सबसे ज़्यादा देखो सबसे ज़्यादा बार रशिया ने वीटो पावर यूज़ किया, 122 बार, 122 बार उसने किसी फैसलों को मना कर दिया कि ना ये फैसला नहीं लिया जाए, समझ रहे हो। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, अब इसके अंदर अलग अलग आते हैं जैसे कि WHO, अभी अपने कोरोना काल में सबसे ज़्यादा काम कौन कर रहा है, वैक्सीन का कौन निगरानी रख रहा है पूरे वर्ल्ड का, WHO ही आपने न्यूज़ में सुना होगा। IMF, इसको अपने कहते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है, जो कोई भी देश में कभी ऐसा आ जाता है मंदी, ठीक है, तो ये इंटरनेशनल फंड कैसे पॉलिसी देखता है, दिखता रहता है, कभी किसी देश को पैसे की जरूरत पड़ी तो ये फिर उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है, तो आपको ये सिंबल याद रखने हैं, ठीक है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये सिंबल है, ये UN के किस बॉडी का सिंबल है, तो FAO, WHO, ILO किसका, तो आपको ये बोलना है कि FAO, ठीक है, FAO क्या है, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो जो भी खाद्य सामग्री के रिलेटेड कोई भी मसला होगा तो यहाँ पे सॉल्व होगा। ILO क्या है, ठीक है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कभी किसी श्रमिक कानून जो होता है कि हर देश में श्रमिक को क्या क्या मिलनी चाहिए, ठीक है, सहायता, वो सब यहाँ पे डिसाइड होता है, एक लॉ बनाता है पूरे जो जनरल लॉ होता है कि पूरे देश में ऐसा होना चाहिए। फिर अपना ये यूनिसेफ, ठीक है, तो इसको क्या है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है, बच्चों के लिए काम करता है, अपने हमेशा देखा होगा यूनिसेफ का ऐड भी आता है अपना कि चाइल्ड लेबर को रोको, ठीक है, जो बाल वो है श्रम है उसको रोकने का है, और यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड, ठीक है, इमरजेंसी फंड, चिल्ड्रंस फंड, जो ये जो कार्य किस लिए काम करते हैं, सिर्फ बच्चों के लिए काम करते हैं कि बच्चों से काम नहीं करवाया जाए, ठीक है, बच्चों के साथ उनका जो ट्रैफिकिंग होता है उनको किडनैप करके दूसरे देश में बेच दिया जाता है ताकि वहाँ पे काम करे, भीख मांगे, कुछ करे, वो सब कहाँ पे देखा जाता है, यूनिसेफ में। और यूनेस्को, यूनेस्को क्या करता है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, पता है आपका अहमदाबाद हेरिटेज सिटी है और उसको किसने डिक्लेयर किया हेरिटेज सिटी, यूनेस्को ने, यूनेस्को क्या करता है, जो भी जो प्राचीन धरोहर है उसको सबको संजो के रखता है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। फिर एक ट्रूथशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है, जो आपको पता है, ठीक है, इसका मेन सेंटर कहाँ पे, हेग नेदरलैंड में, ठीक है, आपको याद रखने का है सबका, अगर आपको एक बार ये पढ़ लेना है और जहाँ पे भी हेडक्वार्टर का नाम दिया होगा ना आपको वो हेडक्वार्टर याद रखने का है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे, नेदरलैंड में, ठीक है, और सेक्रेटेरिएट का कहाँ पे, अपना ये रहा न्यूयॉर्क में, ठीक है, और अपना ठीक है, ये गलत दिया नहीं, आपको ये याद रखने का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर भी पूछ लेते, और UN का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे, हेग नेदरलैंड में, ठीक है। तो अब द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉल्ड सेक्रेटरी, ठीक है, ये आपको यहाँ रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि जो भी ना जैसे आपका होता है ना लास्ट लोकसभा में स्पीकर, वैसे जनरल असेंबली जो है ना अपना यूनाइटेड नेशन का, उसको जो भी सेक्रेटरी होगा उसको सेक्रेटरीट बोलेंगे, हर 5 साल में वो बदलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हुआ, पता हूँ मैं थोड़ा फास्ट समझाया मैंने, लेकिन आपका थोड़ा चैप्टर बाकी है, आपको एग्जाम में इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए मैंने थोड़ा फास्ट में करा है, और मैं इसे लंबा नहीं खींचना चाहता कि 2 वीडियो में आए, इसके लिए मैं एक ही वीडियो में बना रहा हूँ, ठीक है। अगर पसंद आया तो लाइक कर ही देना, ठीक है, नहीं करोगे तो भी चलेगा, तो डिसलाइक कर देना, ठीक है, अनलाइक करना ताकि पता चले भाई नहीं समझ में आया तो अनलाइक कर दो, समझ डिसलाइक कर दो, समझ जाऊंगा कि भाई अगली बार से और ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है, शेयर करना, ठीक है, अपने दोस्तों के बीच में, क्योंकि फ्री में एजुकेशन मिल जाए तो सबको बांटना चाहिए ना, नहीं बांटो तो फिर हम थोड़ा वो कहलाएंगे कि थोड़ा सेल्फिश हो जाएंगे, सेल्फिश नहीं बनना, और सब्सक्राइब करना है, क्यों, सभी को पता है,
अगर दूसरे चैप्टर्स के भी वीडियोज आएंगे या दूसरे सब्जेक्ट के भी, तो आपको पता चलना चाहिए कि हाँ वीडियो आ गए। पता नहीं चलेगा तो आप कैसे देखोगे, ठीक है? इसलिए इसके अपने नीचे एक बेल आइकन आता है, घंटे वाला बटन, उसको भी दबा देना, ठीक है? तो मिलते हैं अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।